दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग देखने वाले कैसे आपने की मैपिंग कर सकते हो। यह दोस्तों पहले का वीडियो में हमने बताया था कैसे अपने यहाँ पर सेटअप कर सकते हो कीबोर्ड माउस मोबाइल से और यहाँ पर मिक्सर से कैसे आप सेटअप कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, उस वीडियो को देख के सबसे पहले सेटअप कर लीजिए। जैसे आपने सेटअप कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद आप की मैपिंग कर लीजिए। कैसे हम लोग की मैपिंग कर सकता हूँ आप देखेंगे दोस्तों। जैसे आप यहाँ पर सेटअप कर लेंगे तो दोस्तों आपके यहाँ पर एक बबल आपको देखने को मिल जाएगा। इसी बबल पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग को चेंज का ऑप्शन मिल जाएगा, चेंज का सेटिंग ऑप्शन को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करते ही दोस्तों आपके यहाँ पर काफी सारा बटन आपको देखने को मिल जाएगा। इससे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि दोस्तों हम लोग को सेटअप करने के लिए दोस्तों हम लोग को अपने फ्री फायर मैच गेम का जो भी यहाँ पर कंट्रोल ऑप्शन है वो आपको ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों मैं सेटिंग ऑप्शन पे जाऊंगा, कंट्रोल ऑप्शन पे जाके कस्टम HUD में क्लिक करूंगा। यहाँ पर सारा का सारा बटन हम लोग यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ से ही कौन सा बटन क्या क्या काम करेगा उसके ऊपर जो कि हम लोग को बटन जो कि अपने कीबोर्ड का जो बटन है उसको बैठाना है। तो वैसे उसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर बबल पे फिर से और एक बार क्लिक करूंगा। चेंज ऑप्शन पे जाके दोस्तों हम लोग यहाँ पर सारा का सारा बटन हम लोग को देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पर फोर पेज में हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फर्स्ट पेज में आ जाऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले AWAD जो मूवमेंट करने का जो बटन है यहाँ पर कीबोर्ड का, तो इसी जो बटन को सबसे पहले यहाँ पर हम लोग छोड़ देंगे। इसके साथ यहाँ पर फायर करने के लिए यहाँ पर माउस का इसी बटन को हम लोग फायर करेंगे। तो फायर करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फायर का बटन आपको देखने को मिल रहा है, जो भी आपको एक चित्र आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर चित्र आप देख सकते हो, इसी चित्र को लेके सिंपल हम लोग यहाँ पर फायर वाला बटन के ऊपर हम लोग ऐसे करके छोड़ देंगे ना, एकदम मिडिल पे हम लोग रख देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर स्कोप ऑन ऑफ करने के लिए स्कोप यहाँ पर इसी बटन को यूज करेंगे। तो आप चाहे तो जो भी बटन यूज करते हो वो बटन आप यूज कर सकते हो। मैं इसी बटन को यूज करूंगा स्कोप ऑन ऑफ करने के लिए क्योंकि सुविधा होता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर इसी बटन को हम लोग ले लेंगे यहाँ पर स्कोप के ऊपर छोड़। बस दोस्तों ये हो गया। अब यहाँ पर जो कि ऐसा जो कि हम लोग रोटेट करने के लिए इधर उधर जो कि गेम पे जब भी हम प्ले करूंगा तो इधर उधर देखने के लिए दोस्तों हम लोग को एक बटन हम लोग को कुछ इस टाइप का बटन हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसी बटन को हम लोग को लेके यहाँ पर इस फाका जगह पे हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे। ये हो गया अपना रोटेट करने का बटन। ठीक है दोस्तों, इसी तरह यहाँ पर जितना सारा बटन है सभी बटन को हम लोग धीरे धीरे ऐड कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर दौड़ने का बटन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दौड़ने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ कीबोर्ड का शिफ्ट वाला बटन को हम लोग यूज करता हूँ। शिफ्ट वाला बटन को यूज करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे शिफ्ट वाला बटन किधर पे है। तो दोस्तों यह शिफ्ट वाला बटन, लेफ्ट शिफ्ट वाला बटन, तो इसी वाला बटन को लेके यहाँ पर हम लोग छोड़ देंगे। इसके साथ दोस्तों हम लोग को जाम करने के लिए कीबोर्ड का स्पेस वाला बटन को प्रेस करेंगे। तो स्पेस वाला बटन को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जाम वाला बटन पे ऊपर हम लोग रख देंगे। तो दोस्तों ये रहा स्पेस वाला बटन, इसी स्पेस वाला बटन को लेके हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर गान को चेंज करने के लिए, गान को लेने के लिए कीबोर्ड का 1 2 3 4 वाला बटन को हम लोग यूज करूंगा। तो गाइस इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 1 2 3 वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर कहाँ है सबसे पहले देख लेता हूँ। तो दोस्तों ये 1 नंबर पेज में ही हम लोग को देखने को मिल जाता है। यहाँ पर 1 वाला बटन को लेके यहाँ पर हम लोग छोड़ देंगे, 2 को लेके यहाँ पर छोड़ देंगे, 3 को लेके यहाँ पर छोड़ देंगे और रीलोड करने के लिए R वाला बटन को यूज करेंगे। तो ये रहा R वाला बटन, इसी R वाला बटन को लेके यहाँ पर गान के ऊपर छोड़ देंगे। जब भी हम लोग कीबोर्ड का R वाला बटन को प्रेस करेंगे तो उसे यहाँ पर रीलोड हो जाएगा। और दोस्तों मैप को ओपन करने के लिए M वाला बटन को यूज करेंगे। तो दोस्तों ये रहा 3 नंबर पेज में M वाला बटन, इसी M वाला बटन को लेके यहाँ पर मैप के ऊपर छोड़ देंगे। और दोस्तों यहाँ पर बैठने के लिए कीबोर्ड का C वाला बटन को यूज करेंगे। तो दोस्तों 3 नंबर पेज में हम लोग को C वाला बटन देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पर C वाला बटन को लेके बैठने के ऊपर छोड़ देंगे क्योंकि दोस्तों बैठना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेम प्ले करने के टाइम पे। इसके बाद दोस्तों अपना कैरेक्टर स्किल का जो भी स्किल है हम लोग को यूज करने के लिए कीबोर्ड का E वाला बटन को प्रेस करेंगे। तो दोस्तों 2 नंबर पेज में ही हम लोग को E वाला बटन मिल जाता है। E वाला बटन को लेके सिंपल हम लोग यहाँ पर कैरेक्टर के स्किल के ऊपर हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे। ऐसे में दोस्तों अपना जो भी कैरेक्टर है कीबोर्ड का E वाला बटन को प्रेस करेंगे तब भी दोस्तों हम लोग यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। और दोस्तों हम लोग को सामान को लूटने के लिए या कोई भी चीज हम लोग को यूज करने के लिए F वाला बटन को हम लोग प्रेस करेंगे कीबोर्ड का, तब भी दोस्तों हम लोग को यूज कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर इसी F वाला बटन को हम लोग ले लेंगे और यहाँ पर यूज के ऑप्शन पे ऊपर छोड़ देंगे। और दोस्तों ग्लू वेल मारने के लिए अपने कीबोर्ड का Q वाला बटन को हम लोग यूज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ Q वाला बटन, तो गाइस यहाँ पर ग्लू वेल के ऊपर हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे। और दोस्तों हम लोग यहाँ पर मेडिकेट मारने के लिए हम लोग यहाँ पर V वाला बटन को यूज करेंगे। तो दोस्तों ये रहा V वाला बटन, इसी V वाला बटन को लेके हम लोग यहाँ पर मेडिकेट के ऊपर छोड़ देंगे। और दोस्तों बैग को ओपन करने के लिए हम लोग यहाँ पर टैब वाला बटन को यूज करेंगे। तो दोस्तों ये रहा टैब वाला बटन, इसी टैब वाला बटन को लेके यहाँ पर छोड़ देंगे। और गाइस यहाँ पर गैनेट को हम लोग यूज करने के लिए यहाँ पर N वाला बटन को यूज करेंगे कीबोर्ड का। ओके दोस्तों यहाँ पर फाइनली मैंने यहाँ पर की मैपिंग कर लिया हूँ अच्छे से, जो कि हम लोग यहाँ पर की मैपिंग कर लिया हूँ। गाइस यहाँ पर जो भी की मैपिंग मैंने किया हूँ यहाँ पर अपने हिसाब से आप सिलेक्शन कर
सकते हो अपने जो भी सुविधा होता है उस हिसाब से। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको पूरा सेटिंग मैंने दिखाया, जो भी यहाँ पर गेम प्ले करने के लिए जितना हो सके यहाँ पर हम लोग को बटन मैंने ऐड किया हूँ। इसके बाद दोस्तों सेव करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सेव में क्लिक करूंगा और गाइस यहाँ पर कॉन्फर्म में क्लिक करूंगा। कॉन्फर्म में क्लिक करते टोटल ये जो की मैपिंग है यहाँ पर सेव हो जाता है। और दोस्तों इसके बाद यहाँ से हम लोग को बैक कर देना है, यहाँ से हम लोग को बाहर निकल जाना है और गाइस इसके बाद सिंपल हम लोग यहाँ पर गेम प्ले को स्टार्ट कर सकता हूँ। तो गाइस इस तरह से काफी आसान से अपने फ्री फायर मैच गेम पे मिक्स प्रो कन्वर्टर से हम लोग यहाँ पर सेटअप करने के बाद इस तरह से काफी आसान से हम लोग यहाँ पर की मैपिंग कर सकता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। और गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप चाहे तो ज्वाइनिंग करके आप वॉइस मैसेज भी आप कर सकते हो, कुछ भी मैसेज भी मेरे को करके कुछ भी पूछ सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से काफी आसान से अपने फ्री फायर मैच गेम पे अपने कीबोर्ड माउस मोबाइल से गेम प्ले कर सकते हो, की मैपिंग भी कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कितना आसानी से यहाँ पर जो कि इधर उधर मूवमेंट भी हो रहा है और दोस्तों यहाँ पर गेम प्ले भी स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नीचे उतर जाता हूँ और थोड़ा हम लोग यहाँ पर गेम प्ले करके देख लेता हूँ। ओ भाई यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर जाम कर पा रहा हूँ, सी वाला बटन से मैं यहाँ पर दौड़ रहा हूँ और गाइस यहाँ पर देख सकते हो। और मैं माउस का एरो वाला बटन को प्रेस करूँ तो ये फायरिंग भी कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पर लूट लेता हूँ भाई। चलो भाई यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इसके ऊपर चला जाता हूँ और यहाँ पर इसके ऊपर चलो भाई मिल चुका है भाई। रोटेट काफी ज्यादा यहाँ पर रोटेट हो रहा है भाई, बहुत ही बढ़िया। चलो भाई उतर जाता हूँ और मैं आर वाला बटन को रिलोड और तीन नंबर वाला बटन को हम लोग को ऐसे हाथ में दौड़ रहा हूँ। चलो यहाँ पर घर बड़ी किधर गया भाई? ओहो उस साइड में है घर बड़ी। चलो मैं उधर में उस साइड में चला जाता हूँ। ओहो ये देखो मेरा क्या हो गया। चलो ये अभी ओ भाई क्या काम रिलोड भाई मांगता है, रिलोड कर लिया वो भाई। इसकी स्किन रिकॉर्ड भाई अभी के टाइम पे स्किन रिकॉर्ड भाई छोड़ो। चलो भाई क्या काम से स्किन रिकॉर्ड मैंने स्टार्ट कर लिया था, यही प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि सब कुछ एक साथ तो नहीं होगा ना। ये देखो रिलोड। चलो बैठ जाता हूँ। ओके भाई इसको इसी को ले लेता हूँ, MP40 ले लेता हूँ एक तो। चलो अच्छी बात है, गान को चेंज कर लेता हूँ। गया गया गया। मैं थोड़ा इधर थोड़ा रोटेट कभी हो रहा है कभी नहीं, थोड़ा ये भाई जॉयस्टिक प्रॉब्लम है। देखो भाई बीच बीच में तो प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा नहीं है कि एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है भाई, ये तो बीच बीच में थोड़ा प्रॉब्लम भी दिखता है। देखो जॉयस्टिक प्रॉब्लम अभी दिख रहा है, ऐसे कैसे होगा भाई पूरा प्रॉपरली तो भाई अच्छा नहीं कैसे कह सकते हो। जॉयस्टिक प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन भाई मारने में नहीं छोड़ा है भाई। चल चल ओहो एफ 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 अरे एफ वाला बटन थोड़ा साइड में हो गया, एफ वाला बटन को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। चलो मैं यहाँ पर ही बैठ जाता हूँ, यहाँ पर बैठ के ठीक कर लेता हूँ। चलो अभी एफ वाला बटन को थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, नहीं यूज़ के ऑप्शन में यूज़ किया लेकिन चलो ये वाला बटन को यहाँ पर लगा दिया हो, अभी देख लेता हूँ ये वाला बटन क्या ठीक हुआ है या नहीं। हाँ अभी ठीक हुआ है और इस गाने को भी ले लेता हूँ। चलो भाई प्रैक्टिस का जरूरत तो है ही। ओह भाई ड्रैग हेडशॉट काफी अच्छा लग रहा है। भाई काफी अच्छा खासा जो कि ड्रैग। अरे भाई अरे अरे किधर गया एफ एफ। चलो